तो यार ब्रह्मास्त्र मूवी की सक्सेस के बाद इंडिया में अब हमें कौन सी सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलने वाली हैं? तो चलिए जानते हैं। और यार आदि पुरुष के टीजर के VFX को देखने के बाद जो SRK की रावण 2 के लिए हाइप बनी है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है? यार खुद SRK ने इस पे रिएक्ट किया है, तो यार इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो भाई वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो नंबर 5 पे आती है सुपर सोल्जर, जिसे की अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं और इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल कटरीना कैफ कर रही हैं, जिसकी यार शूटिंग की बात करें तो इसको बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन यार पैंडेमिक के चलते इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया गया था। और बाद में कटरीना कैफ का बिजी शेड्यूल भी इस मूवी के होल्ड का एक बड़ा रीजन रहा है, लेकिन यार अब सूत्रों की माने तो नेक्स्ट समर तक इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब भाई मूवी कैसी भी हो कटरीना कैफ की है तो देख ही लेंगे। नंबर 4 पे आती है शक्तिमान ट्रियोलॉजी, जिसका यार टीजर अनाउंसमेंट के बाद ना कोई डायरेक्टर ना कोई कास्ट रिवील की गई है, लेकिन यार रूमर्स की माने तो शक्तिमान का रोल अपने शाहरुख खान या रणवीर सिंह कर सकते हैं। और यार मैं इन सब पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप शक्तिमान के रोल में किसी एक न्यू फेस को देखना चाहते हो या पहले से कोई एक फेमस एक्टर को। लेकिन यार मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो इस दुविधा में फंसा हूं कि मूवी के अंदर अंधेरा कायम कौन करेगा, और भाई मेकर सम्राट किलविश का लुक कैसा रखने वाले हैं? भाई अगर उन्होंने पुराने लुक को यूज किया तो भाई आज के टाइम में वो जोकर लगेगा, DC वाला नहीं नाटक वाला। खैर नंबर 3 पे आती है नागिन, और इस मूवी की मेन लीड श्रद्धा कपूर होने वाली है, जिसको डायरेक्ट विशाल फुरिया कर रहे हैं। खैर मूवी की स्टोरी हमें मूवी के नाम से ही पता चल जाती है कि इसकी स्टोरी शेप शिफ्टिंग स्नेक के अराउंड होने वाली है, जिसे लेके कुछ दिनों पहले ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इस मूवी के ऊपर काम करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये मूवी हैवी CGI यूज होने वाली थी। और यार आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद लोगों ने जो उसका मजाक बनाया, इसी चक्कर में उन्होंने मूवी पे ही काम करना बंद कर दिया। लेकिन भाई मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में ये बोला कि भाई ये सभी फेक रूमर्स हैं और मूवी पे काम चालू है। अब भाई कौन सही है कौन गलत वो तो यही जाने, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी के ऊपर, द इमोर्टल अश्वत्थामा। और भाई इसके अंदर अपने विक्की कौशल और सारा अली खान मेन लीड में होने वाले थे, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि सारा अली खान की जगह समांथा ने ले ली है। और यार जब इस मूवी के पोस्टर्स निकल के आए थे तो लोगों के बीच इसके लिए काफी ज्यादा हाइप हो गई थी, और यार इसके लिए तो मैं भाई पर्सनली एक्साइटेड भी था, लेकिन यार मूवी अनाउंसमेंट के बाद मूवी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई वही पुरानी बजट वाली बकचोदी के चक्कर में इस मूवी को भी होल्ड पे रख दिया था, लेकिन अब जब प्रोड्यूसर्स ने ब्रह्मास्त्र की सक्सेस देख लिया तो यार अब उनके भी आंखें खुल गई हैं कि यार तुम तगड़े कंटेंट पे पैसा लगाओ ना, जनता क्यों नहीं देखेगी। और यार मूवी के मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि यार नेक्स्ट समर तक इस मूवी को भी भाई ट्रैक पे ले आएंगे और काम चालू कर देंगे। और भाई अब बात करते हैं रावण की, जिसे कि यार आदि पुरुष के टीजर के VFX को देखने के बाद एक 11 साल पुरानी मूवी के लिए कैसे रिस्पेक्ट बढ़ गई। नो डाउट कि भाई रावण मूवी का VFX उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया था, और यार आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और अब जब रावण मूवी के सीक्वल के लिए खुद फैंस ही डिमांड कर रहे हैं तो ये हमें कब तक देखने को मिल सकती है? तो यार खुद शाहरुख खान ने ही रावण के सीक्वल को कंफर्म कर दिया था। हालांकि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कुछ ज्यादा बढ़िया तो नहीं था, लेकिन फिर भी SRK ने इस मूवी के सीक्वल को कंफर्म कर दिया था, जिसका नाम रावण 2 नहीं G1 होने वाला था। और यार जब रावण मूवी को नेशनल अवार्ड मिला तो यार इसे अपने SRK भी और जोश में आ गए कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना है, लेकिन शायद उन्हें अभी तक कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली जिसपे वो मूवी बना सके, क्योंकि यार आज के टाइम में VFX और एक बढ़िया स्टोरी मूवी को हिट बना सकती है, और भाई पब्लिक चाहे तो वो कुछ भी करा सकती है। खैर मैं तो यही होप रखूंगा कि SRK को इसका सेकंड पार्ट के लिए कोई बढ़िया सी स्टोरी मिल जाए, जिससे कि हम जल्द से जल्द इसका सीक्वल देख पाए। खैर अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और हाँ यार वीडियो देख के मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई हो तो अपने मित्र मंडल में शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।